मौज मस्ती कर हवा में फायरिंग करना चार लोगों को भारी पड़ गया। दरअसल बीती रात शहर के घनी बस्ती में चार युवक में से एक युवक ने अपनी गाड़ी रोककर पहले तो नाच गाना शुरू किया, उसके बाद तैश में आकर उनमें से एक युवक ने हवा में ही गोली दाग दी। बीती रात शहर की घनी बस्ती में चार युवक जो खाना खाने ढाबा जाने के लिए निकले थे, जिनके नाम आलोक शुक्ला, कार्तिकीय, दीपक चौधरी और राजू कड़ी हुए, मौज मस्ती करते हुए उन्होंने अपनी गाड़ी बीच रास्ते में ही रोक दी। उनकी ब्लैक पजेरो MP09CM7777 में इन्होंने लाउड स्पीकर में गाने शुरू कर दिए और इन गानों के धुन पर उन्होंने खूब नाच गाना किया। इसी दौरान आलोक शुक्ला के मित्र कार्तिकेय ने हवा में फायरिंग करनी शुरू कर दी। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बापू डेरे ने इनबीसीएन संवाददाता को दी। हमें काल रात्रि सुमारे 10 वाजेच्या दरम्यान पोलीस स्टेशनला हजर असताना आमच्या तपास पथकास माहिती गोपनीय माहिती मिळाली की उत्कर्ष नगर चौक या ठिकाणी फायरिंग झाले। त्याच्या आधारे आमचा स्टाफ तत्काळ त्या ठिकाणी रवाना झाला। त्यावर गाडीचा फक्त लास्ट नंबर 77 77 असा काळी गाडी म्हणून फक्त माहिती मिळाली होती। त्या आधारे आमचा स्टाफ त्या गाडीचा पाठलाग करत पुढे गोरेवाड्यापर्यंत गेला, तिथून गाडी परत आली, तिथं पण फायरिंग झाला असं माहिती मिळते। त्या अनुषंगाने पण तपास चालू आहे अजून आणि त्यानंतर ती गाडी परत येऊन आम्हाला हजारीपाड या भागात आमच्या लोकांनी ट्रॅप लावून तिचा पाठलाग करून पकडली। त्यामध्ये चार लोक होती त्या गाडीमध्ये, त्यापैकी एकाचं नाव आहे आलोक शुक्ला, दुसरा दीपक चौधरी, राजू कडू आणि कार्तिकेन दशस्त्र हे चौघजण होते। त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं, त्यांच्याकडे वेपन मिळालेलं आहे। वित आलोक शुक्ला याच्याकडे त्याबाबत लायसन आहे, परंतु त्याने उत्कर्ष नगर या चौकात सार्वजनिक ठिकाणी चौकामध्ये रहदारीचं ठिकाणी फायरिंग केलेलं आहे हे निष्पन्न झालेलं आहे तपासामध्ये। आणि पुढे आणखी कुठे कुठे फायरिंग केलं किंवा उद्देश काय होता ह्याच्यामागचा शोध घेणं चालू आहे, तपास चालू आहे। आमचा पुढील तपास PSI शेडमागे साहेब करत आहे। बहरहाल हमने इलाके में दहशत फैलाने के लिए बदमाशों के गोलियां चलाने की वारदात तो कई बार सुनी है, लेकिन मौज मस्ती कर तैश में आकर गोली चलाना कभी कभी जान पर भी भारी पड़ जाता है और ऐसे लोगों पर जरूरी है सख्त से सख्त कदम उठाना। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।